आईपीएल का आगाज आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के मुकाबले से एक दिन पहले 9 टीमों के कप्तान आईपीएल ट्रॉफी के साथ पोज देते नजर आए, लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा नदारद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अहमदाबाद नहीं पहुंच पाए। रोहित अब सीधे 2 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ मैच में दिखाई देंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार। एचआरएस के नए कप्तान एडन मार्कम की जगह भुवनेश्वर कुमार ने कप्तानों के फोटोशूट में हिस्सा लिया। इससे मालूम चलता है कि मार्कम अभी भारत नहीं पहुंचे हैं और कप्तानी का जिम्मा भुवी के कंधों पर होगा। आईपीएल 16 का पहला मैच गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने वाला ये मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए आएंगे। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौती होगी। आउटफील्ड धीमा तो नहीं, लेकिन बाउंड्री लाइन बड़ी होने के चलते यहां सिंगल डबल पर अधिक फोकस रखना होगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है। दिल्ली कैपिटल्स के उप कप्तान बनने के बाद अक्षर पटेल फूले नहीं समा रहे। अपने इस नए रोल के लिए अक्षर काफी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सीजन में उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए जो कड़ी मेहनत की, ये उसी का इनाम है। दिल्ली कैपिटल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अक्षर ने अपनी ये बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि हमारी टीम ज्यादातर वही है, हमारे पास पिछले 3-4 सालों से वही खिलाड़ी हैं, हम अपने खिलाड़ियों को अच्छी तरह जानते हैं। रोहित को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं पूर्व कप्तान अनिल कुंबले। कुंबले ने इसकी वजह भी बताई है। कुंबले ने बताया कि मौजूदा मुंबई इंडियंस टीम के साथ आपको मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर देखें तो टीम के पास कुछ अद्भुत बल्लेबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा जैसा कोई खिलाड़ी हो तो वो आराम से 7 से 15 ओवरों को कंट्रोल कर सकता है। आईपीएल के आगाज से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बुरी खबर सामने आई है। टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती कुछ मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी पहले मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी वजह से आरसीबी की शुरुआत खराब हो सकती है। जोश हेजलवुड की अगर बात करें तो काफी वक्त से वो चोटिल चल रहे थे, वहीं ग्लेन मैक्सवेल पैर की चोट से जूझ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के दिग्गज खिलाड़ी जॉस बटलर ने अपनी टीम के खिलाड़ी जो रूट का स्वागत किया है और उन्हें राजस्थान रॉयल्स की जर्सी दी। इस दौरान जॉस बटलर ने कहा कि जिस खिलाड़ी से आपको मिलवा रहा हूं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। रूट इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए अपनी आईपीएल डेब्यू करने वाले हैं। राजस्थान रॉयल्स ने रूट को आईपीएल मिनी ऑक्शन में 1 करोड़ में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने विराट कोहली से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि विराट जब खराब फॉर्म में चल रहे थे तब उनसे क्या बातचीत हुई। पीटरसन के मुताबिक विराट को दर्शकों के सामने खेलना ज्यादा पसंद है, लेकिन कोविड की वजह से दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं थी और इसका असर विराट कोहली के खेल पर भी देखने को मिला। पीटरसन ने कहा कि कोहली को मैं काफी लंबे वक्त से जानता हूं, जिस तरह से वो गेम को खेलते हैं वो काफी जज्बे और इमोशंस के साथ होता है। मेरे हिसाब से कोविड का उन पर काफी ज्यादा असर पड़ा। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। उनको ये इंजरी अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दौरान आई थी। अपनी इंजरी की समस्या के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सर्जरी के ऑप्शन को टाल दिया और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अय्यर को एक इंजेक्शन भी लगा है और इसके बाद देखा जाएगा कि उन्हें कितने दिन एनसीए में रुकना होगा। अय्यर आईपीएल की शुरुआती मैचों से बाहर चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के दौरान मैचों का आयोजन कहां होगा, इस बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए भारत के 2 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये 2 शहर दिल्ली और चेन्नई हैं और इन्हीं 2 मैदानों में से किसी एक जगह पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जा सकता है। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप 2023 के 48 मैचों के लिए 12 वेन्यू को सेलेक्ट किया है।